जालंधर के बस्ती दानिशमंदा स्थित शिवाजी नगर गली नंबर 7 में रिंकू नाहर के निवास स्थान पर गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में गणपति जी की मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसकी विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद मूर्ति को ब्यास दरिया में प्रवाहित करने हेतु भक्तों का जत्था रवाना हुआ। इस अवसर पर विधायक महेंद्र भगत ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर पंडित राधे ने विधिवत पूजा अर्चना करवाई। इस दौरान राधा, ऋतिक, तानिया, भूपेंद्र, शाहबाज, अविनाश, अनु, दीपू, देव सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। और जैसा कि आप सभी को पता है, अभी चल रहा है श्री सिद्धि विनायक महोत्सव, जो कि 7 तारीख से लेकर के चतुर्थी से लेकर के और अनंत चतुर्दशी तक चलता है। उसके उपलक्ष्य में साढ़े पाजी बहुत ही मानयोग रिंकू कुमार जी, रिंकू नाहर जी के घर में पिछले 7 दिनों से भगवान श्री सिद्धि विनायक देवता जी विराजमान थे। इन्होंने बड़ी श्रद्धा भावना के साथ भगवान गणपति महाराज का शुभागमन अपने घर में स्थापित किया और प्रतिदिन सुबह शाम बड़ी श्रद्धा भावना के साथ पूजन अर्चन किया। तो आज सप्तम दिवस अंतिम दिवस के रूप में और ब्यास दरिया भगवान गणपति जी के पार्थिव शरीर को गणपति जी को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा है। तो समस्त संगत पहुंची हुई है, सभी गणपति महाराज का शुभ आशीर्वाद लें। भगवान गणपति जी सभी के घरों में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें और रिंकू बाजी को सपरिवार बहुत बहुत मंगल कामना। भगवान विघ्नहर्ता इनके सभी कार्य सिद्ध करें, उत्तरोत्तर वृद्धि दें और अंग संग सहाय हो। बोले गणपति गजानन महाराज की जय।